नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टारगेट CGSI वर्दी हम लेकर रहेंगे, यानी कि वर्दी लेने के लिए, वर्दी पाने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और इस प्रयास की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आपके टाइम के यूटिलाइजेशन से। जैसे कि आपके पास जो समय बचा हुआ है उस समय का आप कितना सदुपयोग कर पाते हैं, किस काम को आपको प्रायोरिटी देनी है और किस काम को फिलहाल के लिए आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि किन कार्यों को आपको फिलहाल के लिए क्या कर देना है, एकदम से खत्म करने को नहीं बोलने भाई, ब्रेकअप पे मत जाओ। अभी क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, अपने समय का सदुपयोग करना। और कहां पे हमें टाइम देना है, हमें टाइम देना है अपने मंजिल, अपने एम, अपनी जिद को पूरा करने के लिए। इस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में प्रयासरत रहेंगे। मंजिल है वर्दी पाना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ पे पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लग करके हमारे साथ में तैयारी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन की यदि मैं बात करूँ तो आज SI का सेशन नंबर 4 होने वाला है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो। और यहाँ पे आज हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला होने वाला है आपका पासा यानी कि डाइस। दूसरे अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब यानी कि घन। और तीसरे अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज हम लोग क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। और इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि आपके अन्य एग्जामों में, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी सम्मिलित होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको लेवल का क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। बाकी प्रश्नों के ऊपर भी थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कशन हम लोग करते हुए चलेंगे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग यहां पे डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाइस फटाफट से जान लेते हैं होता क्या है। तो डाइस की अगर हम बात करें तो आप सभी ने लूडो खेला ही होगा, यानी कि हम पासे से यहां पे भली प्रकार से क्या है, परिचित है। पासे की अगर मैं बात करूं तो पासा आपका क्या होता है, 3-dimensional फिगर होता है, जो कि क्यूब या फिर क्यूबॉइड के फॉर्म में हो सकता है। डाइस इज अ 3-dimensional फिगर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, क्लियर। अगर हम बात करें पासे के प्रकार की तो पासे आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और एक हो जाएगा आपका साधारण डाइस यानी कि नॉन स्टैंडर्ड, साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, क्लियर। तो बेसिकली दो प्रकार के यहाँ पे पासे होते हैं। एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बेस्ड होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जब हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो दो अपोजिट सरफेस यानी कि दो विपरीत फलकों का जो योग होगा वो सदैव कितना होगा, 7 होगा। जबकि हम नॉन स्टैंडर्ड की डाइस की, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात करें या साधारण पासे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट भी देखने को मिल सकता है, संख्याएं जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 6 तक हो। यहाँ पे आपको रंगों के नाम लिखे हुए देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। चलिए बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस को बनाने के लिए जरूरी तथ्य हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। कुछ और बेसिक अगर मैं बातों की बात करूं जो कि यहाँ पे समझने के लिए या प्रश्नों को बनाने के लिए आवश्यक है, वो ये हो जाती है कि यहाँ पे फलकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 6, यानी कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ सरफेसेस की तो सरफेसेस हो जाएंगे कितने, 6, यानी कि टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे, क्लियर। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं यहाँ पे एजेस की यानी कि किनारों की, मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये तथ्य आपके क्यूबॉइड जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वहां पे भी आपको हेल्प करेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसकी, एजेस की, तो एजेस कितने होते हैं, 12। यहाँ पे 12 किनारे आप देख सकते हैं, 4 किनारे आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे, 4 किनारे आपको नीचे में देखने को मिलेंगे और 4 ही आपके पिलर नुमा किनारे हो जाएंगे, यानी कि किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर्नर्स की तो कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और ये सभी तथ्य हमारे ना केवल डाइस बल्कि अगर हम बात करें तो क्यूब में भी काम आने वाले हैं, क्लियर। बाकी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने कहा क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसको जानते हुए चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 different पोजीशन ऑफ अ डाइस जैसा कि लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि पासा आपका क्या है, एक ही है और एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप एक रिमोट देख पा रहे हैं, इस रिमोट की अगर मैं बात करूं
इस रिमोट में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको कितने सर्फेसेस विजिबल हो रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बटन साइड वाला, ये एक टॉप वाला विजिबल हो रहा है और एक आपको ये सर्फेस विजिबल हो रहा है। और इसी रिमोट को मैं क्या करूं, अगर अलग तरीके से यहाँ पे अलग पोजिशन में रख दूं, तो आप देखेंगे कि रिमोट सेम है लेकिन यहाँ पे आपको जो सर्फेसेस विजिबल हो रही है वो क्या है, अलग है। यानी कि एक ही पासे को हम अलग अलग तरीके से रोटेट करके क्या करते हैं, डिफरेंट पोजिशन की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट की, जो कि हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट की यदि मैं चर्चा करूं, तो जब आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा या स्थितियों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर दोनों स्थितियों में एक कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा, 3। क्लियर। तो अगर ये सेम पोजीशन पे है तो भी, और सेम पोजीशन पे नहीं है तो भी, हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट। हमें कॉमन सरफेस से क्या कर जाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। तो यानी कि अगर इसको हम पोजिशन 1 कंसिडर करें और इसको हम पोजिशन 2 कंसिडर करें, तो पोजिशन 1 में कॉमन क्या मिला, पोजिशन 1 में कॉमन मिला 3 और पोजिशन 2 में भी कॉमन मिला 3। 3 से हम क्लॉकवाइज गए तो मिला 2, फिर मिला हमें 1, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और 1, और यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज गए तो मिला हमें 4 एंड 6, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और 6। क्लियर। यानी कि 1 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। पूछा किसके लिए गया, हमसे पूछा गया 1 के लिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई, यानी कि जब आपको क्या किया जाएगा, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई होंगी और उनमें एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा, तो उस कॉमन एलिमेंट के साथ में हमें या तो क्लॉकवाइज मूव ऑन कर जाना है या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, पोजिशन 1 में हम 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा हमें 1 और 6, और पोजिशन 2 में अगर हम 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा हमें, सॉरी 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 था, और पोजीशन 2 में अगर हम जाएंगे तो मिलेगा हमें 6 और 4। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहीं पे सीखेंगे, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस। यानी कि जो आपका कॉमन सरफेस है उसका अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करेंगे अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस की, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस विल बी दैट, अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस विल बी दैट विच इज नॉट शोन ऑन एनी सरफेस ऑफ द गिवन पोजिशंस। क्लियर। यानी कि कॉमन सरफेस की जब हम बात करेंगे तो उसके उभयनिष्ठ सरफेस की जब हम बात करेंगे तो उसके विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 के अपोजिट सरफेस की, तो 1 का अपोजिट सरफेस 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपको दे देगा ऑप्शन में, मान लेते हैं 8 दे दिया तो 8 को हम क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। 10 दे दिया तो हम 10 को आंसर मार्क करेंगे, और 5 दे दिया तो 5 को हम क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट जो कि दी गई स्थितियों के किसी भी सरफेस पर दर्शाया ना गया हो, वो क्या हो सकता है, कॉमन एलिमेंट का अपोजिट सरफेस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपको गिवन डाइस देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है वो आपको 7 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी ये बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपका दिया गया पासा है वो क्या है, एक साधारण पासा है, यानी कि मानक पासा नहीं है। क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो फिर से आपको यहाँ पे आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट कॉमन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखा, क्या क्या सीखा, जब एक एलिमेंट कॉमन हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बाकी के एलिमेंट्स का अपोजिट सरफेस निकाल सकते हैं। और हम बात करेंगे जब कॉमन एलिमेंट के अपोजिट सरफेस की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो वो क्या हो सकता है, कॉमन एलिमेंट का अपोजिट सरफेस हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब दो कॉमन एलिमेंट हो, जब किसी भी पासे की अलग अलग स्थितियों में दो क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
जबकि एम और एन के लिए यहाँ पे हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एल से लेकर के क्यू तक के एलिमेंट का यूज किया गया, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया, पूछा गया अपोजिट एल का। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब किसी पासे की दो अलग अलग स्थितियों की हम चर्चा करेंगे और दो एलिमेंट वहां पे कॉमन होंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे जो कि कॉमन नहीं है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि एल का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर यूपी पुलिस एसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। टेंशन नहीं लेना है, बस ये आपको समझ लेना कि ये वन है, ये फाइव है, ये टू है। ठीक है, सीधा लिख दे उल्टा लिख दे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछा है A dice is numbered from 1 to 6, which number is opposite to 5? हमें क्या निकालना है? 5 का opposite निकालना है। इसको हम मान लेते हैं position 1, इसको हम मान लेते हैं position 2, इसको हम मान लेते हैं position 3। Approach हमारा same रहने वाला है, एक position दे, दो position दे, 10 position दे, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जो आंसर निकालेंगे उसके लिए हमें केवल और केवल दो अलग अलग positions की जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने के लिए। 1 और 3 को कंपेयर करके आंसर निकाला जा सकता है, हो सकता है 2 और 3 को कंपेयर करके आंसर मिल जाए, या हो सकता है 3 और 1 को कंपेयर करके आंसर मिल जाए। पूछा किसके लिए गया हमसे? 5 के लिए पूछा गया है। तो 5 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे पोजीशन 1 में और पोजीशन 3 में आपको 1 और 4 क्या देखने को मिल रहा है? कॉमन देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जो प्रीवियस रूल हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों में क्या हो, दो एलिमेंट कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 5 के अपोजिट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर। आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते थे किसको किसको कंपेयर करके, 1 और 3 को कंपेयर करके। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोजीशन 2 और 3 की, तो 2 और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 1 से क्लॉकवाइज आप गए, देखो दोनों में हो गया 1 से आप क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे तो मिलेगा 2 और फिर मिलेगा 5। यहाँ पे 1 से क्लॉकवाइज गए तो मिलेगा 4 और फिर मिलेगा 3। तो यहां से भी आप ज्ञात कर सकते थे कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर। तो मल्टीपल तरीके होंगे आपके अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोजिशन आपकी ज्यादा होंगी। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो आपको बताना है येलो का अपोजिट, ये हो गया आपके पोजीशन 1, ये होगी पोजीशन 2 और ये होगी पोजीशन 3। बताना किसका अपोजिट है? येलो का अपोजिट है। येलो के अपोजिट की बात करें तो 1 और 2 में कॉमन क्या है? येलो है। यानी कि येलो का अपोजिट रेड नहीं हो सकता, येलो का अपोजिट ब्लैक नहीं हो सकता, येलो का अपोजिट ब्राउन नहीं हो सकता और येलो का अपोजिट ग्रीन नहीं हो सकता। क्लियर। यानी कि बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ब्लू। क्लियर। यानी कि रेड ग्रीन और ब्लैक तो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो बचा हमारे पास क्या? ब्लू। क्यों? क्योंकि दो एडजेसेंट सरफेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो समझना आपको, क्या समझ लेना है कि एनी सरफेस ऑफ अ डाइस इज एडजेसेंट विद फोर अदर सर्फेसेस। ठीक है। यानी कि पासे की कोई भी एक सतह है जो क्या होती है, चार सतहों के साथ में संलग्न होती है, एंड द रिमेनिंग सरफेस विल बी द अपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। यानी कि जो बच जाएगी वह उस विशेष सतह की क्या होगी? विपरीत सतह होगी, यानी कि जिसके साथ वह एडजेसेंट या संलग्न नहीं है। क्लियर। चलिए बात करेंगे आगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला है 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द लेटर विच विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द वन विद ओ। क्लियर। ओ का अपोजिट हमें ज्ञात करना है, ओ हमें यहां देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट की, तो कॉमन एलिमेंट हो गया एम, एम से क्लॉकवाइज जाओगे तो मिलेगा सी, यहाँ पे मिलेगा डी, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। आगे की बात करते हैं, यहाँ मिलेगा ई और यहाँ मिलेगा ओ, यानी कि ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विद इन सेकंड चुटकियों में आप यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो अगेन यूपी पुलिस एसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में अगर हम बात करें तो परसेंटेज का आपको अपोजिट यहां पे ज्ञात करना है। क्लियर। परसेंटेज के अपोजिट की अगर हम बात करें तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। पोजीशन 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? डॉलर। डॉलर से हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखा, डॉलर से हम गए तो यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखा, यानी कि हैश। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैश हो जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम पोजिशन 1 और 3 को कंपेयर करते तो डॉलर और हैश दो एलिमेंट कॉमन हो गए। यहाँ पे भी डॉलर और हैश दो एलिमेंट क्या हो गए? कॉमन हो गए। यानी कि जो रिमेनिंग बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट सरफेस
हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका अपोजिट सरफेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, विच लेटर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अब जब आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आपको एक तो ओपन डाइस पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्न बनाएं। तो पहली शर्त क्या है कि आपको ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट पता हो, और या फिर आप यहाँ पे डाइस को अलट पलट के देख करके उसको अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन यहाँ पे अलट पलट के उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन आपका बना का बना रहेगा। ओपन डाइस की अगर मैं बात करूं तो पहले भी ओपन डाइस या अगर हम डाइस की बात करें तो बिल्कुल डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं अलग अलग सेशंस के माध्यम से। और अगर हम बात करें जब हम लोग मेंस का सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे तो वहां पे भी हम लोग इसको विस्तृत रूप से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि किसी भी बंद पासे से जब हमें क्या करना होता है, खुला पासा बनाना होता है, या क्वेश्चन मार्क पर बेस्ड जब हमें क्वेश्चंस को हल करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें पीटीआर, तो पीटीआर को इस प्रकार से हम यहां पे लिख लेंगे पीटीआर। ठीक है, मैं यहां पे दो अलग अलग पोजीशन बना करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि कैसे यहां पे आप दोनों पोजीशन से आंसर निकाल सकते हैं और आंसर आपका हर हाल में क्या आएगा, सेम आएगा। यहां से अगर आप लिखना चाहें तो यूएसआर लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका यूएस और ये हो जाएगा आपका आर। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आर है, तो आर से क्लॉकवाइज जाओगे तो मिलेगा टी, यहां पे मिलेगा एस, यानी कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। और हमें पता है कि अल्टरनेट जो यहां पे सरफेसेस होंगे वो एक दूसरे के विपरीत सतह होगी, और यहां पे हमें पता है कि एस का अपोजिट टी है, तो टी को हम यहां लिख लेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे टी के बाद मिल रहा है हमें पी, और पी का अपोजिट यहां पे हमें देखने को मिलेगा यू, जो कि एस के बाद मिल रहा है, यानी कि पी का अपोजिट हो जाएगा यू। और जो रिमेनिंग बच गया, जो एक नया एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो यहां पे मिल रहा है हमें Q, यानी कि R का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q। तो R का अपोजिट हो जाएगा Q और U का अपोजिट हो जाएगा यहां पे P, इस प्रकार से हमने बना लिया। क्लियर। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, अब इसको बंद पासे के रूप में बनाना है, और उस स्थिति में U कहां पर होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए, और Q कहां पर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। U फ्रंट पे हो और Q कहां हो, टॉप पर हो, तो ये जो सरफेसेस होते हैं ना, ये मूवेबल सरफेस होते हैं, इनको हम किसी के साथ लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इसको हम बंद पासे के रूप में बनाएंगे ना, तो ये आपका चार फलकों के साथ में क्या होगा, संलग्न होगा या एडजेसेंट होगा। क्लियर। यानी कि जब आप इसको बंद पासे के रूप में बनाएंगे तो आर पी के साथ में भी संलग्न होगा, टी के साथ में भी होगा, यू के साथ में भी होगा और एस के साथ में भी होगा। ठीक है, तो जब क्यू टॉप पे होगा, यानी कि क्यू को हम यहां भी लिख सकते हैं, क्यू को हम यहां भी लिख सकते हैं, क्यू को हम यहां भी लिख सकते हैं, आर को हम यहां लिख सकते हैं, आर को यहां लिख सकते हैं और आर को यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब क्यू टॉप पर होगा तो देखो सीक्वेंस हमने क्या फॉलो किया था इसको बनाने के लिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि यू। तो उसी प्रकार जब Q टॉप पर होगा तो देखो क्या मिलेगा आपको, Q, T और P। सॉरी, हमें क्या रखना है, U को फ्रंट पे रखना है, T को नहीं रखना फ्रंट पे, U को हमें फ्रंट पे रखना है। तो Q को जब आप क्या रखोगे, टॉप पे रखोगे, तो यहां से जाओगे Q हो गया टॉप पे, फिर मिलेगा U और फिर मिलेगा आपको T, यानी कि आंसर यहां से आप निकाल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, T, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ये तो हो गया इससे, क्या इस वाले से निकालेंगे तो हमें उत्तर सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। मैंने कहा ये वाले सरफेस क्या होते हैं, मूवेबल सरफेस होते हैं, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहां से भी आप जाओगे तो यहां पे मिलेगा आपको Q, और Q के बाद यहां जाओगे तो मैंने कहा T को भी हम मूव करके ऊपर ला सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि Q, U, T। तो जब Q टॉप पे होगा, U फ्रंट पे होगा, तो आपको राइट में क्या देखने को मिलेगा, T देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग मेंस के कोर्स को कवर अप कर रहे होंगे, तो और इसको हम लोग व्यापक रूप से देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको ओपन डाइस देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले प्रश्न में करी, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट सर्फेसेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अल्टरनेट सर्फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि एफ का अपोजिट हो जाएगा सी, ए का अपोजिट हो जाएगा ई, और बी का अपोजिट हो जाएगा डी। और हमें पता है कभी भी दो विपरीत जो सर्फेस होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो हमें तीन सर्फेसेस विजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, तीनों के तीनों संलग्न सतहें हैं, यानी कि एडजेसेंट सरफेस है, इनमें कोई भी सरफेस अपोजिट नहीं है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसको बंद करने से कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है, तो ए के साथ जहां ई दिखाई दे जाए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता। बी का अपोजिट डी है तो बी के साथ जहां डी दिखाई दे जाए वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। एफ के साथ में सी दिखाई दे जाए यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, अगेन हम क्या करेंगे यहां पे अपोजिट सरफेस देखेंगे, एट द रेट के साथ में परसेंटेज कहीं दिखाई दे जाए तो एलिमिनेट, कॉपीराइट के साथ में कहीं पे आपको डॉलर दिखाई दे जाए तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। कॉपीराइट के साथ में डॉलर, एलिमिनेट। क्लियर। बच गया हमारे पास एक ही विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और इसको आप यहां पे देख भी सकते हैं, एट द रेट, हैश और डॉलर। तो जब हम बात करेंगे एट द रेट की तो देख सकते हैं एट द रेट, हैश और डॉलर उसी प्रकार से आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से हमने ओपन डाइस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न आपके लिए बना पाना थोड़ा सा क्या है, जटिल है। क्यों जटिल है, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो अल्टरनेट सर्फेसेस के माध्यम से हम अपोजिट सरफेस नहीं ज्ञात कर सकते। तो करना क्या होगा हमें, तो जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि मैंने आपको कहा टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें अपोजिट सरफेस हमें ज्ञात करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे एक के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता और छह नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार से इसका अपोजिट सरफेस एक के साथ में एडजेसेंट नहीं होगा, कॉर्नर के माध्यम से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें एक ही सरफेस बच रहा है तो एक का अपोजिट यहां से हमें मिल जाएगा क्या, पांच। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं यहां पे चार की, तो चार आप देख सकते हैं छह के साथ में संलग्न है, पांच के साथ में संलग्न है, एक के साथ में संलग्न है और दो के साथ में संलग्न है। एकमात्र जो सरफेस बच रहा है वो क्या है, तीन, यानी कि यहां से मिल जाएगा हमें चार का अपोजिट तीन। और जो बच गया वो है आपका यहाँ पे छह और दो, यानी कि छह और दो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है, यानी कि बाकी के ऑप्शंस को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो जहां पे एक और पांच साथ दिखाई दे गए वो एलिमिनेट हो गया, जहां पे चार और तीन साथ दिखाई दे गए वो एलिमिनेट हो गया, जहां पर छह और दो साथ दिखाई दे गए वो एलिमिनेट हो गया, यानी कि आंसर की हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो अगेन आपको ओपन डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और हमसे पूछा क्या है, बी का अपोजिट कौन सा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर कर सकते थे क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अल्टरनेट सर्फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पे भी आपको बताना है कि इस पासे को यदि हम ओपन करेंगे तो इनमें से किस प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है ओपन डाइस के रूप में। ठीक है, यानी कि इस बार आपको बंद पासे से क्या बनाना है, खुला पासा बनाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें पता है क्या करना होता है, बस इस प्रकार से हमें क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर देखना होता है जहां पे बनता हुआ दिखाई दे जाए। तो जब प्लस टॉप पे रहे माइनस फ्रंट पे रहे तो आपको राइट में क्या देखने को मिलेगा, इक्वल टू देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या है, अपोजिट सर्फेसेस है और हमें पता है अपोजिट सर्फेसेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। इस वाले विकल्प की अगर हम बात करें जब प्लस क्या हो, टॉप पे हो, तो देखो प्लस टॉप पे हो तो हमें पता है ये सरफेस मूवेबल सरफेस है, तो प्लस को हम यहां भी रख सकते हैं। ठीक है, और एंड को हम इसके आगे भी आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि माइनस के बाद। तो जब यहां पे टॉप पे आपको प्लस देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको माइनस देखने को मिलेगा, तो राइट में आपको यहां पे एंड देखने को मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। और इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे माइनस है ही नहीं, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यूपी पुलिस एसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि अगर आपने रट्टा मार प्रक्रिया को फॉलो किया है, आपने कुछ सर्टेन रूल्स रट लिए हैं, तो आप प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। तो करना क्या, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे बोला है इन अ डाइस ईच फेस इज नंबर्ड एज फॉलोज। ठीक है, थ्री का अपोजिट क्या है, थ्री के अपोजिट की अगर मैं बात करूं
तो थ्री के अपोजिट में देखने को मिला सिक्स, तो यहाँ पे हमने रखा थ्री, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स। इसके बाद बोला फोर का अपोजिट क्या फाइव, तो यहाँ पे हम फोर रखे, यहाँ पे फोर रखे, इसके पीछे फोर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि फोर की अगर हम बात करें तो फोर का अपोजिट हो गया फाइव और टू का अपोजिट हो गया वन, तो टू को भी हम कहीं भी रख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टू का अपोजिट वन। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, दिए गए कथनों में से कौन सा वाला डेफिनेटली क्या है फॉल्स है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो फोर इज नॉट एडजेसेंट टू थ्री एंड सिक्स, फोर जो है वो थ्री और सिक्स के साथ में एडजेसेंट नहीं है, तो ये बात निश्चित रूप से क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थ्री का अपोजिट सरफेस क्या है सिक्स है, इट मीन जो रिमेनिंग आपके फोर नंबर होंगे वो डेफिनेटली इन दोनों के साथ में क्या होंगे एडजेसेंट होंगे ही होंगे, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये निश्चित रूप से क्या है गलत है। बाकी के भी हम विकल्पों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे फोर इज एडजेसेंट टू टू, फोर क्या है दो के साथ में संलग्न है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर इज एडजेसेंट टू वन, फोर वन के साथ में एडजेसेंट है, ये बात भी क्या है सही है। फाइव इज एडजेसेंट टू थ्री, तो ये बात भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, यानी कि अपने अपोजिट सर्फेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सर्फेस के साथ में क्या होंगे कोई भी पर्टिकुलर सर्फेस संलग्न होगा। यूपी जेल पुलिस 2021 प्रश्न की हम बात करेंगे। A dice is taken, number from 1 to 6 are written on its faces. The face with number 1 and 4 are adjacent to each other. एक और चार क्या है एक दूसरे के साथ में संलग्न है, किसी भी प्रकार से बना सकते हो। मान लेते हैं ये एक ले लिया, ये चार ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है number 6 is on the face opposite to the face with number 3. यानी कि 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है नंबर टू इज नॉट द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर फोर, यानी कि जो टू है वो फोर का अपोजिट नहीं है, यानी कि एडजेसेंट हम उसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस एक ही दिक्कत है कि वो वन का अपोजिट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि वन का अपोजिट अगर हो गया तो फिर यहां 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 कहीं भी रखोगे तो फिर वो गड़बड़ करेगा। और आगे की अगर हम बात करें तो बोला है विच ऑफ These pairs of numbers are on adjacent faces. अब समझिए, अब तीन का अपोजिट हमें छह बनाना है तो हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, हम यहाँ पे तीन को रख नहीं सकते, यहाँ पे तीन को रख नहीं सकते, तो एक ही जगह हमारे पास बचती है, ये हो जाएगा अगर तीन तो इसको हम मान लेंगे छह, या तो यहाँ पे रख देंगे तीन तो ये हो जाएगा छह, क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फोर का अपोजिट में बोला है यहाँ पे टू इज नॉट ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर फोर, यानी कि फोर के अपोजिट में टू नहीं है, इट मीन्स टू के लिए जगह बची हमारे पास ये, और जो रिमेनिंग नंबर बचा वो हो जाएगा यहाँ पे फाइव, क्लियर। तो इस प्रकार से हम डाइस यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो कौन सा वाला इनमें से पूछा है कि एडजेसेंट नहीं है, यानी कि संलग्न नहीं है, संलग्न आपके फलक नहीं है। वन एंड टू की अगर हम बात करें तो वन एंड टू क्या है एडजेसेंट, अच्छा है, संलग्न फलक है, ठीक है, ये पूछा है। Which of these pairs of the numbers are on adjacent faces, कौन से वाले इनमें adjacent faces पर है या संलग्न सतहों पर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वन और टू की तो वन और टू क्या हो जाएंगे अपोजिट सरफेस हो जाएंगे। सिक्स और अगर हम बात करें यहाँ पे थ्री की तो सिक्स और थ्री क्या हो गए अपोजिट सरफेस हो गए। फोर और फाइव की बात करें तो क्या हो गए अपोजिट सरफेस हो गए। बचा एक ही तीन और दो जो कि क्या है संलग्न सतहों पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एडजेसेंट सर्फेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये हो गई बात किसकी डाइस की। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी क्यूब की। तो क्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्यूब के बारे में आपने देखा कि क्यूब में क्या होता है छह सतहें होती हैं, आठ कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है, ये बातें आपने जान ली। अब प्रश्न के माध्यम से हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूलों को भी समझ लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स की, नंबर ऑफ ओनली वन सर्फेस कलर्ड क्यूब्स की, नंबर ऑफ ओनली टू सर्फेस कलर्ड क्यूब्स की और ओनली थ्री सर्फेस कलर्ड क्यूब्स की, और साथ ही साथ कलरलेस क्यूब्स की भी हम चर्चा करेंगे इसी प्रश्न में। तो यहाँ पे दिया गया है ऑल द फेसेस ऑफ अ लार्जर क्यूब आर कलर्ड रेड एंड देन कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो ये जो 27 है इसका जब हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो यहां से वैल्यू मिल जाती है हमें एन की, एन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इन विच ओनली टू फेसेस आर कलर्ड, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू n कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा अगर टोटल नंबर ऑफ आपको क्या दिया गया स्मॉलर क्यूब्स दिया गया तो हमें क्या निकाल लेना होता है उसका क्यूब रूट निकाल लेना होता है। 27 किसका क्यूब होता है तो हमें पता है तीन का, तो n की वैल्यू आ जाएगी तीन, और तीन का अर्थ क्या हुआ यानी कि हम बात करेंगे अगर n की वैल्यू की तो n की वैल्यू होती है बड़े भुजा की लंबाई
बड़े भुजा की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे भुजा की लंबाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये तीन है, इसको हम एक से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का एक घन था तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे। इसी के अगर हम मल्टीपल में चलते चले जाएं, ये 6 सेंटीमीटर का अगर इसको हम घन कंसीडर कर लें, तो इसको अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, एन की। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं नंबर ऑफ कट्स के बारे में। तो जब हमें क्या करना होता है, एक एज को, एक किसी किनारे को या एक हमें रेखा को क्या करना है, 3 भागों में विभाजित करना है, तो हम कितने बार चाकू चलाएंगे या कितने बार कट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम केवल और केवल 2 बार कट लगाएंगे। उसी प्रकार हमें पता है यहाँ पे एजेस की संख्या कितनी है, 12। तो जब हम एक बार चाकू चलाते हैं तो देखिए हम कितने एजेस को यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो 1, 2, 3 और एक इसके पीछे वाले, यानी कि 4। 4 एजेस को हम टच कर रहे हैं, यानी कि 4 एजेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से जब हमने क्या किया, 2 बार चाकू चलाया, तो हमने 4 एजेस को 3 भागों में बांट दिया। तो 2 बार चाकू चला करके जब हम 4 एजेस को, 4 किनारों को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो बताओ हमें 12 एजेस को इसी प्रकार से 3 भागों में बांटने के लिए कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसी प्रक्रिया को हमें 2 और बार क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। तो 2 और बार हम इस प्रक्रिया को जब दोहराते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1, 2 और 2 और बार जब हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अभी आपका ये जो क्यूब है, ये 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और यहाँ पे हमने चाकू कितनी बार चलाया, तो n की वैल्यू थी 3, तो 1 बार हम यहाँ पे n-2 times क्या करेंगे, चाकू चलाएंगे n भागों में विभाजित करने के लिए। और आपने देखा कि इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहरा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम टोटल 3 times क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ कट्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3n-2। क्लियर, ये किसके लिए बन गया, नंबर ऑफ कट्स के लिए, नंबर ऑफ कट्स। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। जब हम बात करेंगे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो अगर हम इस घन को रंग देते हैं और रंगने के बाद जब छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे, तो हमें जब बात करेंगे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो कहाँ देखने को मिलेगा, वो सतहों के मध्य में, यानी कि इसको हम सेंटर क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस घन को जब हम निकालेंगे काटने के बाद, तो इसकी हमें केवल और केवल एक सतह पर रंग दिखाई देगा, जबकि बाकी की सतहें क्या होंगी, रंगहीन होंगी या कलरलेस होंगी। तो एक सतह पर यदि हमें एक ऐसा घन मिल रहा है, तो सतहों की संख्या कितनी थी, 6, और एक सतह पर हमें मिल रहा है एक, यानी कि कुल ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी 6। यानी कि एक सतह की अगर हम बात करें, तो एक सतह पर हमें n-2 का स्क्वायर, एक सतह पर कितने ऐसे घन मिलेंगे, n-2 का स्क्वायर। क्लियर, n की वैल्यू थी 3, 2 घटा दिए कितना आ गया, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, और ऐसी सतहें कितनी है, 6। तो यानी कि आंसर की हम बात करें या फॉर्मूले की हम बात करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन करके आ गया n-6 n-2 का स्क्वायर, जब हम बात करेंगे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। जब हम बात करेंगे ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे घन किनारों पर पाए जाते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक किनारे पर घनों की संख्या की हम बात करें, तो n-2 ऐसे घन होंगे, और किनारों की संख्या की हम बात करें तो कितने होते हैं, 12। ये आपका बन गया फॉर्मूला किसके लिए, ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स के लिए, जब बड़े घन की सभी सतहों को क्या किया जाएगा, रंगा जाएगा उस केस में। तो जब ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की बात करेंगे, तो 12n-2 की अगर हम बात करें, तो n की वैल्यू थी यहाँ पे 3, और 2 घटाओगे तो मिल जाएगा 1, और 12 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आपको संख्या मिल जाएगी कितनी, 12, जिनकी केवल 2 सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी। जब हम बात करेंगे ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, उस केस में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नर क्यूब्स की, जितने भी कॉर्नर क्यूब्स हैं उनके 3 सतहों पर आपको रंग दिखाई देगा, और ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है, 8, क्योंकि हमने देखा था कि किसी घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8, और ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की यदि मैं बात करूं, तो ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। क्लियर, और एट लास्ट जो हमारा बच रहा है कलरलेस क्यूब, यानी कि रंगहीन घन। तो रंगहीन घनों की यदि मैं बात करूं, तो कुल घनों की संख्या थी यहाँ पे 27, केवल 1 सतह रंगीन वाले मिल गए 6, केवल 2 सतह रंगीन वाले मिल गए 12, और केवल 3 सतह रंगीन वाले मिल गए 8। 12, 8, 20 और 6 कितने हो गए, 26। तो 27 में से 26 निकाल दो, बच गया 1, जो कि क्या होगा, रंगहीन होगा। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरे यदि मैं तरीके की बात करूं, तो कैसे निकाल सकते थे आप, निकाल सकते थे n-2 का क्यूब।
एन की वैल्यू थी तीन, तीन में से दो घटाओगे तो बन जाएगा कितना, एक, और एक का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा घन होगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो ये हो गई बात बेसिक्स और फॉर्मूलों की, अब हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके प्रश्नों को फटाफट से बनाते हुए चलेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर हैव बीन पेंटेड रेड एंड देन इट इज कट इनटू 125 यूनिट क्यूब्स। यानी कि इस बार एन की वैल्यू कितनी दिया गया है, 5। एन की वैल्यू हो गई आपकी 5, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार बार चाकू चलाएंगे और इस प्रक्रिया को दो और बार दोहराएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12। आगे की अगर हम बात करें द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग कलरलेस फेस फेसेस इस, यानी कि हमें क्या निकालना, रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया था, एक क्या ओनली वन सरफेस कलर की जब हम बात करेंगे। चलो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन में हम लोग ओरली बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। एक और बार आप लोग साथ में क्या कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चार बार चाकू चलाएंगे, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन और ये हो गया चार, ये हो गया एक, ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन और ये हो गया आपका चार, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। अभी क्या हो चुका है, ये 125 घनों में विभाजित हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कलरलेस क्यूब्स की, तो फटाफट से देखिए दोनों तरीकों पे मैं चर्चा करूंगा जिससे आपको फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। और हर प्रश्न आपका फॉर्मूले से ही बन जाए या जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यदि मैंने कहा यहाँ पे हमें निकालना है कलरलेस क्यूब्स, तो हम बात कर लेते हैं ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। तो मैंने कहा ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स, एक सतह पर कितने देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे n माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 9। 9 ऐसे घन मिल रहे हैं जिनकी क्या होगी, केवल और केवल एक सतह रंगीन होगी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो एक सतह पर 9 मिल गए तो 6 सतहों पर कितने मिल जाएंगे, 54 मिल जाएंगे, यानी कि 54 मिल जाएंगे। कितने मिल गए, 54, क्लियर। इसके बाद जब हम बात करेंगे ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो आप देखेंगे एक किनारे पर ऐसे घनों की संख्या कितनी है, एन माइनस 2 यानी कि 3, और यहाँ पर किनारे कितने हैं, 12, यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। और हमने कहा कॉर्नर क्यूब्स कितने मिलेंगे, जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है वो कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, तो कॉर्नर क्यूब्स मिलेंगे यहाँ पे 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 8। अब इसको हम यदि जोड़ करके 125 में से घटा दें तो हमें मिल जाएंगे कलरलेस क्यूब्स। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6, 4, 10, 8, 18 का 8 कैरी जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 + 3, 9, यानी कि 98। अब 125 में से अगर आप 98 घटा देते हो तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, 27, ये हो गया एक तरीका, क्लियर। दूसरे यदि मैं तरीके की बात करूं तो मैंने आपको बताया था क्या करना था, आपको n माइनस 2 का क्यूब कर देना था। तो n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 और 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहां से भी आप ज्ञात कर सकते थे, यानी कि आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। आगे की यदि मैं बात करूं ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर हैव बीन पेंटेड रेड एंड देन इट इज कट इनटू 125 यूनिट क्यूब्स। द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स हैविंग ओनली वन फेस कलर्ड इज, तो अभी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है, केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 54। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू है 5, n माइनस 2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि एक सतह पर 9 ऐसे घन होंगे तो सतहों की संख्या है 6, तो 6 सतहों पर आपके 54 ऐसे क्यूब्स देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्यूब इज पेंटेड ब्लू, एक घन जिसको नीले रंग से रंगा गया है, ऑन ऑल सिक्स फेसेस इट इज देन कट इन टू 216 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। इसके बाद इसको क्या किया गया है, 216 बराबर छोटे घनों में विभाजित किया गया है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर हुज ओनली टू सरफेसेस आर ब्लू, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल दो सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी। अब 216 की अगर हम बात करें, ये कुल घनों की संख्या, और हमें यहाँ पे निकालना है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, आपको क्यूब रूट निकाल लेना है। तो हमें पता है 216 किसका क्यूब होता है, तो 216 आपका क्यूब होता है किसका, 6 का। एन की वैल्यू आगे कितनी, 6, और निकालना हमें ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या, ठीक है। तो
ओनली टू सर्फेस कलर क्यूब्स की जब हम बात करें तो ऐसे क्यूब्स कहाँ पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं, और एक किनारे पर इनकी संख्या कितनी होती है, एन माइनस टू, यानी कि छह माइनस दो करोगे तो चार, और किनारों की संख्या कितनी होती है, बारह, यानी कि बारह चौक कितना हो जाएगा, अड़तालीस, आंसर हो जाएगा 48, क्लियर। चलिए, तेलंगाना पुलिस एसआई 2018, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न मुझे देखने को मिल रहा है, इफ टू क्यूब्स ऑफ ईच साइड 12 सेंटीमीटर आर जॉइंड फेसेस फेस टू फेस टू फॉर्म अ क्यूबॉइड देन द सरफेस एरिया, ये आपका बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अब आ ही गया स्लाइड में, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि 12 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या था, क्यूब था। अब ऐसे दो घनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, और ऐसे दो घनों को हमने क्या करने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद एक बना दिया घनाभ। तो जब हम घनाभ बनाएंगे तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, और बाकी का आपका रहेगा कितना, 12। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, तो ये जब है 12, ये है 24, ठीक है, ये भी 12, ये आपका 24, तो हमें पता सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 12 इंटू 24 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या आपको देखने को मिल रही है, बराबर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे 12 इंटू 12। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये तो टॉप का हो गया था, इस वाले की बात करूं तो इसको भी हमें 12 इंटू क्या करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। और हर एक सरफेस एरिया के अपोजिट में भी सेम सरफेस एरिया वाला आपको एक सतह देखने को मिलेगा, यानी कि इसको हम जोड़ करके क्या कर देंगे, जस्ट इसका डबल कर देंगे। तो 12 गुणे अगर हम 24 की बात करें तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगेगा, 4, 12 दूनी 24, 4, 28। यहाँ पे बात करें तो कितना आ जाएगा, 144, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 288। इन सब का सब हम सम करेंगे तो 8, 8, 16, 4, 20 का 0 कैरी जाएगा 2, 8, 8, 16, 4, 20, 2, 22 कैरी जाएगा 2, 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7, यानी कि 720। तो 720 का डबल कर दोगे तो आ जाएगा 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक, यानी कि क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक की यदि हम बात करें तो क्लॉक के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं फटाफट से, जो कि अपने को फॉलो करने की जरूरत है। क्लॉक की यदि मैं बात करूं, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके मिनट हैंड और आवर हैंड पर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपके मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पर आधारित प्रश्न होते हैं। मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो मिनट वाली 60 मिनट में, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, 12 डिवीजन देखने को मिल रहा है, और मिनट वाली सुई 60 मिनट में जब 12 से चल करके दोबारा से 12 पर पहुंचती है तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है या कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 360 डिग्री का एंगल क्या करेगी, मिनट वाली सुई कवर करेगी कितनी देर में, 60 मिनट में। यानी कि जब हम बात करेंगे एक मिनट में, तो एक मिनट में आपका जो मिनट वाली सुई है वो क्या करेगी, 360 बाई 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जब मिनट वाली सुई 12 से चल करके दोबारा से 12 पर पहुंच गई तो आवर हैंड क्या करेगा, आवर हैंड आपका एक पे पहुंचेगा, यानी कि 60 मिनट में। अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई क्या करेगा, यहाँ पे 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, यानी कि अगर हम बात करें आवर हैंड, ये हो गया आपका मिनट हैंड, और 60 मिनट में जब हम आवर हैंड की बात करेंगे तो मात्र कितना, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 30 डिग्री कैसे यहाँ पे हम लोग निकाले इसको, जब मिनट वाली सुई 12 से घूम करके दोबारा से 12 पर पहुंची तो एंगल बना 360 डिग्री का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 डिविजन्स हैं, 12 भाग हैं, तो 360 को जब आप 12 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री, क्लियर। प्रत्येक भाग की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, यानी कि घंटे वाली सुई क्या करती है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि एक मिनट की अगर हम बात करें तो आवर हैंड द्वारा, ये हो गया आपका मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, ये हो गया आपका आवर हैंड, तो एक मिनट में अगर हम बात करें आवर हैंड के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डिग्री, या फिर 0.5 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या इसको आप 0.5 डिग्री भी बोल सकते हो। यानी कि घंटे वाली सुई क्या करती है, एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई क्या करती है, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इन दोनों की अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1:12,
और इसी में यदि मैं सेकंड वाली सुई की भी चर्चा करूं, इसी में यदि मैं क्या कर दूं, सेकंड वाली सुई की भी चर्चा करूं, तो सेकंड वाली सुई क्या है, मिनट से भी, एक मिनट में मिनट वाली सुई आपका कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है, तो वो चलती है 360 डिग्री, यानी कि मिनट वाली सुई से क्या है 60 गुना तेज है। तब उस केस में क्या हो जाएगा, आवर वाले सुई की तुलना में 720 गुना तेज हो जाएगी, ये बनेगा इनकी स्पीड का क्या रेशियो। ठीक है, ये हो गई एक बेसिक बात, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाएंगे। कुछ अन्य भी मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जो फिलहाल के लिए आपको अप्लाई करना है आपकी परीक्षा में प्रश्नों को आसानी से बना पाने के लिए। क्लियर, तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे, मिनट वाली सुई एक मिनट में चलती है 6 डिग्री, आवर हैंड एक मिनट में चलती है 0.5 डिग्री, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग प्रश्न की, प्रश्न आपका तेलंगाना पुलिस SI 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। बात करें प्रश्न की तो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी टाइम्स, पहला ही प्रश्न आपका यहाँ पर रेशियो पर बेस्ड है, हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ द मिनट हैंड इज मोर देन दैट ऑफ द आवर हैंड इन अ क्लॉक। बताओ यहाँ पे रेशियो हम लोगों ने क्या निकाला था, 1:12:720, यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपका आवर हैंड, ये हो गया आपका मिनट हैंड। तो पूछा क्या था वहां पे प्रश्न में कि मिनट हैंड घंटे वाली सुई की तुलना में कितना तेज है, तो 12 गुना क्या है तेज है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9:40, जब हमें दिए गए समय पर क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए। तो फिलहाल अभी यहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 7 और 8। देखिए दिमाग में अगर आपकी घड़ी छप गई तो आप ओरली आंसर निकालना सीख जाओगे। समय दे रहा है 9:40, जब हम 9:40 की बात करते हैं तो ये अगर मान लेते हैं हम आवर हैंड, इसको यदि मैं मान लूं आवर हैंड और इसको यदि मैं मान लूं मिनट हैंड। क्लियर, तो मिनट हैंड और आवर हैंड, यानी कि अभी आपका जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली 9 पे होगा और मिनट हैंड कहाँ होगा, एग्जैक्टली 12 पे होगा। अब जैसे ही मिनट हैंड आपका एक मिनट चलेगा तो बताओ आवर हैंड कितना चलेगा, तो आप कहेंगे आवर हैंड 0.5 डिग्री चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि आवर हैंड क्या करता है, एक मिनट में 0.5 डिग्री की कोणीय दूरी तय करता है। तो मिनट हैंड जैसे ही एक मिनट चलेगा आवर हैंड आपका 0.5 डिग्री चलेगा, मिनट हैंड 2 मिनट चलेगा तो आवर हैंड आपका 1 डिग्री चलेगा, और मिनट हैंड जब क्या किया 40 मिनट चल करके यहां से आया है तो बताओ आवर हैंड कितना चला होगा, मिनट का आधा, एक मिनट में आधा, 2 मिनट में 1, 4 मिनट में 2, 10 मिनट में 5, 20 मिनट में 10, इस प्रकार से जितने भी मिनट हैंड मिनट के तौर पर दूरी तय करेगी उसका 0.5 डिग्री के हिसाब से क्या करेगा आवर हैंड आगे की दूरी तय करेगा। तो आवर हैंड की अगर हम बात करें तो एंगल तो बनना चाहिए था इनके बीच में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, क्योंकि कितने डिवीजन का गैप है, 1 डिवीजन का गैप है। तो हमें क्या करना है, ओरली क्वेश्चन कैसे बनाना है, हम केवल और केवल क्या देखेंगे, समय 9:40 दिया हुआ है, एक सुई 9 पर होगी, दूसरी कहां पर होगी, 8 पर होगी, दोनों के बीच में कितने डिवीजन का गैप है, तो आप कहेंगे 1 डिवीजन का गैप है। 1 डिवीजन की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था, 30 डिग्री, 1 डिवीजन की वैल्यू कितना 30 डिग्री, और मिनट हैंड कितना चल गई है, मिनट हैंड चल गई है 40 मिनट्स, इट मीन्स कि आवर हैंड कितना चलेगा 20 डिग्री। अब ध्यान ये देना है कि मिनट से दूर चलेगा कि मिनट की तरफ चलेगा। तो जब आपका आवर हैंड मिनट वाली सुई की तुलना में बड़े नंबर पर होगा तो वो मिनट से दूर जाएगा, और जब मिनट वाली सुई की तुलना में छोटे नंबर पर होगा तो मिनट की तरफ जाएगा। जब आवर हैंड मिनट से दूर जाएगा तो एंगल जुड़ेगा कि घटेगा, तो आप कहेंगे एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब आवर हैंड क्या करेगी, घंटे वाली सुई क्या करेगी, मिनट की तरफ अगर जा रही होती तो क्या हो जाता, यहाँ पे एंगल घट जाता। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली हमें क्या कर देना है, एंगल बनना था 30 डिग्री का, लेकिन आवर हैंड क्या चल गया 20 डिग्री आगे चल गया, 20 डिग्री आगे चल गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा 20 जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे डायरेक्टली बनाएंगे, बोला है 1:10 पर एक सुई कहां पर होगी, 1 पर होगी, दूसरी सुई कहां पर होगी, 2 पर होगी, तो दोनों के बीच में कितने डिवीजन का गैप है, तो दोनों के बीच में 1 डिवीजन का गैप है, और 1 डिवीजन की वैल्यू मैंने कहा कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवर वाली सुई 1 पर, मिनट वाली सुई
दो पर, दोनों के बीच में कितने डिवीजन का गैप, एक डिवीजन का गैप, एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री का। मिनट हैंड कितना चल गया है 10 मिनट, तो आवर हैंड कितना चलेगा 5 डिग्री चलेगा। लेकिन इस बार आवर हैंड क्या करेगा, मिनट की तरफ चलेगा कि मिनट से दूर, तो आप कहेंगे इस बार आवर हैंड छोटे नंबर पर था और मिनट हैंड बड़े नंबर पे था, यानी कि आवर हैंड क्या करेगा बड़े नंबर की तरफ मूव करेगा, यानी कि 5 डिग्री मिनट की तरफ चल जाएगा, यानी कि आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा कितना 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्ट्रक्चर बना करके भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ठीक है। ध्यान दीजिए, मिनट हैंड आपका 12 पे कब होगा, जब आपका आवर हैंड एग्जैक्टली 1 पे होगा। अब मिनट हैंड यहां से जैसे ही 1 मिनट चलेगा तो बताओ आवर हैंड यही रुकी रहेगी क्या, आधा डिग्री मूव करेगी। मिनट हैंड यहां से चलते 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 कहां पहुंच गया, दो पर पहुंच गया, यानी कि मिनट हैंड को दो पर पहुंचने के लिए कितने मिनट चलने पड़े, 10 मिनट चलने पड़े, और उस 10 मिनट के दौरान क्या करेगा आवर हैंड 5 डिग्री मूव ऑन कर जाएगा। तो इट मींस इनके बीच जो एक डिवीजन का गैप है वो कंप्लीटली एक डिवीजन का गैप ना होकर के क्या हो जाएगा 25 डिग्री का यहाँ पे गैप बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब मिनट हैंड 10 मिनट चला है तो आवर हैंड भी 5 डिग्री मिनट की तरफ मूव कर चुका होगा, ठीक है। यानी कि आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल मोर देन 180, 180 डिग्री से ऊपर का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी कि एक ऑप्शन तो आपका यहीं पे क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 10:25 पे आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल, तो किसी भी गिवन टाइम पे यदि आपको क्या रिफ्लेक्स एंगल बताना हो, ये हो जाएगा आपका 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। 10:25 पर तो एक सुई होगी 10 पर, देखो करना कुछ नहीं, डायरेक्टली पहले हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं रिफ्लेक्स एंगल का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक सुई होगी 10 पर, दूसरी सुई होगी 5 पर, यानी कि 10:25 पर निकालना था। कितने डिवीजन का गैप, तो 10 और 5 के बीच में 5 डिवीजन का गैप, यानी कि एंगल बनेगा 150 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितने डिग्री का बन गया, 150 डिग्री का, यानी 150 डिग्री का। लेकिन हमने कहा मिनट हैंड 25 मिनट चला है तो आवर हैंड क्या करेगा 12.5 डिग्री मूव करेगा, और इस बार आवर हैंड कहाँ आपका एक बड़े नंबर पर है, तो 150 में क्या करोगे 12.5 जोड़ दोगे, यानी कि सिंपली अगर क्वेश्चन हमसे पूछा होता तो आंसर आ जाता अपना 62.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाता अगर हमसे रिफ्लेक्स एंगल ना पूछा होता, केवल एंगल हमसे पूछा गया होता। तो कैसे निकाला हमने, 10 और 5 के बीच में कितने डिवीजन का गैप, 5 डिवीजन का गैप, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री थी, तो 5 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। मिनट वाली सुई कितना चल रही, 25 मिनट चल रही, यानी कि आवर वाली सुई क्या करेगा 12.5 डिग्री मूव करेगा, तो आवर वाली सुई बड़े नंबर पर है यानी कि मिनट से दूर जाएगा, मिनट से दूर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये यहां से मूव करके कहां तक पहुंचा 5 तक पहुंचा, तो ये क्या यहीं पे रुका रहेगा, नहीं ये क्या करेगा 12.5 डिग्री मूव कर जाएगा। आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा 162.5 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल, और हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 180 होती है। तो ध्यान दीजिए जब हम बात करते हैं किसकी, 10:25 की, तो जब हम 10:25 की बात करते हैं तो क्या एंगल केवल हमें यही बनता हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका आवर हैंड, ये हो जाएगा आपका मिनट हैंड, और आप एंगल कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल आपका निकल करके आ गया 162.5 डिग्री, जबकि एक एंगल आपका ये भी बन रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोर देन 180 हो जाएगी। तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे दो तरीके से एंगल बनेगा, एक तो ये वाला और एक इसके अपोजिट वाला। तो जब हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया तो हम क्या करेंगे इसको 360 में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है टोटल एंगल की वैल्यू 360, इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल निकल करके आ जाएगा, क्लियर। तो जब इसको हम 360 में से घटाते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि इसमें अगर हम बात करें कितना कम है ये 180 से, तो 7.5 और 10, यानी कि अगर हम बात करें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 197.5 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं आप 197/2 डिग्री, क्लियर। तो जब कभी भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वैल्यू को 360 में से घटा देना है, या कभी भी आपसे अगर एंगल पूछा जाए, एंगल पूछा जाए गिवन टाइम पे आपसे एंगल पूछा जाए और एंगल की वैल्यू क्या आ रही हो 180 से ज्यादा आ रही हो,
एंगल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 180 आ रही, तो उस केस में आपको क्या करना है, एंगल याद करने के लिए क्या करना है आपको, 360 में से वैल्यू को माइनस कर देना होगा। क्यों? क्योंकि 180 से जो ज्यादा की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि आप रिफ्लेक्स एंगल याद करिए, तब तक आप 180 से ज्यादा वाली वैल्यू को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 1:30। 1:30 की यदि हम बात करें तो एक सुई होगी 1 पर, दूसरी सुई होगी 6 पर। कितने डिवीजन का गैप? तो आप कहेंगे 5 डिवीजन का गैप। 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी? 150 डिग्री। मिनट हैंड कितना चला है? 30 मिनट। तो आवर हैंड कितना चलेगा? 15 डिग्री। मिनट की तरफ चलेगा कि मिनट से दूर? तो आप कहेंगे आवर हैंड इस बार क्या है, छोटे नंबर पर है, यानी कि मिनट की तरफ चलेगा। तो 150 में से क्या करोगे, 15 घटा दोगे, तो आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। क्लियर? एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock? देखो अभी अगला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, गिवन टाइम पे एंगल निकालना। अब हमें एंगल दिया गया होगा और समय निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो अभी तक जब गिवन टाइम पर एंगल निकालना था तो हमें पता था कि जितने मिनट मिनट वाली सुई चलेगी उसका आधा आपका आवर हैंड डिग्री के हिसाब से आगे या पीछे मूव करेगा, मिनट की तरफ या मिनट से दूर। क्लियर? तो हमें केवल और केवल डिविजन्स का गैप देख लेना होता था और जितने मिनट चले उसी के आधा या उसमें उसके आधे के हिसाब से हमें क्या करना होता था, या तो जोड़ना होता था एंगल में या तो घटाना होता था। ठीक है, अब यहां पे आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, 12/11। फिलहाल के लिए इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, 12/11। 12/11 की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे मैं यहां पे मिनट्स की वैल्यू आपको फटाफट से रटा दे रहा हूं। 12/11 की जब हम बात करें तो यहां पे 5 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट और 55 मिनट। ठीक है, चलिए समझिए, हमें क्या करना है, केवल क्या याद रखना है, 12/11। अब यहां पे बोला है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 6 डिवीजन का गैप। ठीक है, क्या हुआ, 180 डिग्री का मतलब 6 डिवीजन का गैप। तो एक सुई एक पे होगी जब हम 1 बजे की बात करेंगे, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 6 डिवीजन का गैप कब होगा। तो अगर हम बात करें घंटे वाली सुई, तो एक पे ऑलरेडी है ये, तो एक में या तो 6 जोड़ दो या तो 6 घटा दो। तो एक को हम 13 भी कंसिडर कर सकते हैं, 13 में से 6 घटाओगे तो भी मिलेगा 7 और एक में 6 जोड़ोगे तो भी मिलेगा 7। यानी कि एक सुई एक पे हो जाए और एक सुई कहां पर हो जाए, 7 पर हो जाए, यानी कि मिनट वाली सुई 7 पर हो जाए। और मिनट वाली सुई जब 7 पर होगी तो मिनट कितने होंगे, 35। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि बनना चाहिए था 1:35 पर, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों सुइयां क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में मूवमेंट कर रही हैं या गतिशील हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम तो यहां पे लगेगा। अब अगर मैं बात करूं कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो इसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 12/11 का मतलब क्या हुआ, तो 12/11 क्या आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 whole 1/11। क्लियर? यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वो संख्या से 11 को आप भाग करके देख लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे 35, तो पूरे पूरे हो जाएंगे। फिर जब हम 35/11 को देखेंगे तो 35 कितने बार में जाएगा, देखो 35/11 की अगर हम बात करें तो 35 कितने बार में जाता है, 3 बार में कंप्लीटली जाएगा, और बचेगा कितना, 2/11। तो हमें पता था 1 से मल्टीप्लाई करें तो मिल गया 35, और फिर 1/11 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मिल गया पूरा पूरा, यानी कि 35 और 3 कितना हो गया, 38, और बचा क्या यहाँ पे, 2/11। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 38 whole 2/11। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम अन्य प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं, अन्य कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। इसी में यदि मैं आपसे पूछूं 1 से 2 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 90 डिग्री का मतलब होता है 3 डिवीजन पहले और 3 डिवीजन बाद। यानी कि 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 और 13 में से 3 घटा दोगे तो 10। यानी कि 1 बनेगा आपका 1:20 पर और 1 बनेगा 1:50 पर। 1:20 पर और 1:50 पर दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा, 3 डिवीजन का गैप होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले वाले एंगल जो कि 1:20 पर बनेगा, तो 20 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 12/11 से। तो 12/11 को मैंने क्या कहा, 1 whole 1/11 लिख सकते हैं। तो 20 तो पूरा पूरा मिल जाएगा,
और फिर जब 20/11 में देखोगे तो कितनी बार में जाएगा 20, एक बार में कंप्लीटली जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 21 और बचेगा कितना 9/11। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा, तो दूसरा एंगल बनेगा आपका 1:50 पर। यहां पर एक घड़ी भी मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो हमने कहा 1 से 2 के बीच में जब हम 90 डिग्री के कोण की बात करते हैं तो एक सुई अगर 1 पे है दूसरी 4 पर है तो 3 डिवीजन का गैप होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कब बनेगा, वो बनेगा 21 मिनट 9/11 पे। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो बनेगा 50 पर, तो 50 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 12/11 से, तो 50 तो पूरा मिल जाएगा। और फिर जब 50 को 11 से भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका कितना 54, यानी कि 54 6/11, यही क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। तो प्रत्येक मिनट के लिए फटाफट से यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं 12/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 12/11 से तो बनेगा 5 होल 5/11, 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 10 होल 10/11, 15 को करोगे तो देखो 15 तो पूरा, फिर 15 11 से कितनी बार में जाएगा कंप्लीटली, एक बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 होल 4/11। फिर 20 की बात करें तो मिल गया, फिर 25 की बात करेंगे तो 25 तो पूरा हो जाएगा, फिर 25 को 11 से भाग करोगे तो 2 मिलेगा कंप्लीट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27 होल 3/11। 30 की बात करें तो 30 तो आपका पूरा हो गया, फिर 30 को 11 से भाग करोगे तो 2 मिलेगा कंप्लीट, यानी कि हो जाएगा 32 होल 8/11। 35 का मैंने यहाँ पे निकाल ही दिया है। 40 की बात करें तो 40 पूरा 40 को जब 11 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 होल 7/11। 45 की बात करें तो 4 टाइम्स में कंप्लीटली जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 होल 1/11। 50 का मैंने बता ही दिया। और जब 55 मिनट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 11 से 5 टाइम्स में, यानी कि 55 तो पूरा रहेगा प्लस 5 की, यानी कि हम बात करें तो सीधे कितने 60 मिनट की यहाँ पे हम बात करेंगे। क्लियर। चलिए आते हैं प्रश्न पर। At what time between 5:30 and 6? 5:30 to 6 के बीच will the hands of a clock be at right angle? 5:30 की यदि मैं बात करूं, 5:30 की यदि मैं बात करूं, तो ये हो गया आपका 5 बजे और ये हो गया 5:30। ठीक है, ऊपर वाली सुइयों को यदि मैं यहाँ पे हटा दूं तो ये हो गया 5:30। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक डिवीजन का गैप ये है, एक सुई 5 पे दूसरी सुई 8 पे, एक सुई 5 पे दूसरी सुई 8 पे, यानी कि 5:40 पर बनना चाहिए था इनके बीच में क्या राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। अब बनेगा कब, तो हमें पता है 40 को जब हमने क्या किया 12/11 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 43 होल 7/11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल में भी मैंने इसके ऊपर कई बार डिस्कशन किया है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है यहाँ पे आसानी से मैं अप्रोच आप लोगों के साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ जिससे आप ओरली एग्जाम में विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन आंसर निकाल सकें। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूँ, टाइम इन अ क्लॉक इज 4:15, 4:15 व्हाट टाइम विल बी अपियर इन द मिरर। तो जब हमें मिरर से टाइम निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, 11:60 से दिए गए समय को माइनस कर देना होता है। तो जब दिए गए समय को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से 4 गया 7 और 60 में से 15 गया 45, यानी कि 7:45, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका तरीका, सरल भी है और साथ ही साथ क्या है, व्यवहारिक भी है। जबकि हम जल प्रतिबिंब की अगर बात करें तो जल प्रतिबिंब का तरीका सरल तो है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, और यही कारण है कि आपके वाटर इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेरिजन टू मिरर इमेज। ठीक है, यूपी पुलिस एसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2 अलार्म्स ऑफ अ क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 60 सेकंड्स एंड 68 सेकंड्स। 60 सेकंड एंड 68 सेकंड पर ये क्या कर रहे हैं, अलार्म बजा रहे हैं या रिंग कर रहे हैं, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 6 AM। ठीक है, यदि ये क्या कर रहे हैं 6 AM पे एक साथ रिंग कर रहे हैं, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसके एलसीएम की यदि मैं बात करूं, 17 दूनी 34 दूनी 68
अगर यहाँ पे मैं करूँ 17 × 60 तो 17 का 0 हो जाएगा, 17 × 6 करेंगे 85 और 7 की बात करें 92, 102, यानी कि 1020 सेकंड की हम यहाँ पे बात करेंगे। और 1020 को जब हम क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं तो कितने मिनट निकल करके आएंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 90 जाएगा 15 बार में और 2 बार में 17, यानी कि 17 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे एक साथ फिर से रिंग करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या कर देना होता है, ऐसे प्रश्नों में हमें एलसीएम निकाल लेना होता है, जो भी यहाँ पे मिनट दिया हो, मिनट की वैल्यू दी हुई हो, सेकंड की वैल्यू दी हुई हो, या फिर आपको आवर की वैल्यू दी गई हो, उन सभी का हमें क्या निकाल लेना होता है, एलसीएम निकाल लेना होता है। और एलसीएम के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वो दोबारा से एक साथ फिर से रिंग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल 2 टाइम दिया गया है या 2 रिंग के बारे में बात करी जा रही, तो 2 से अधिक भी रिंग पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आने वाले सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, तो उन प्रश्नों की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अन्य टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you.